नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौहान और आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली बार जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि क्लैप क्या होता है, जो अभी भी हमारे हाथ में क्लैप क्या होता है और उसके यूजेस किस तरीके से होते हैं और उसका फायदा क्या होता है, किस तरीके से क्यों यूज किया जाता है। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लैप दिया कैसे जाता है, मतलब क्लैप प्रैक्टिकली कैसे फिल्मों में जब फिल्म की शूट होती है तो उसका यूज किस तरीके से होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट मैं आपको जो है बिना देरी किए जो है शुरू करता हूँ ये वीडियो को। पहले पिछले वीडियो में जो है मैंने थोड़ा आपको बताया था कि ये सीन नंबर, शॉट नंबर, टेक नंबर लिखा जाता है। ये तो बहुत ईजी चीज है, किसी को भी दिख के लग रहा है कि सीन नंबर है और एक सीन के कई सारे शॉट्स हो सकते हैं। कई सारे शॉट्स मतलब जैसे कि क्लोजअप शॉट हो गया, मिड शॉट हो गया, वाइड शॉट हो गया, तो कई सारे शॉट्स होते हैं। तो वो कौन सा शॉट है वो हम लिखते हैं कि एक सीन का पहले हमने, अगर सीन नंबर, अगर हमने लिखा सीन नंबर 7, सीन नंबर 7 का हम पहला शॉट ले रहे हैं वाइड, तो वो वाइड के लिए मैंने शॉट नंबर 1 लिख दिया। फिर उसका टेक ले रहे हैं, टेक नंबर 1 मतलब पहली बार जब हमने रोल किया, रोल कैमरा एक्शन बोला तो टेक नंबर हो गया। अगर वो ओके नहीं हुआ तो दूसरा दूसरा टेक कर रहे हैं तो वो टेक नंबर 2 हो गया। अगर वो भी ओके नहीं हुआ, तीसरा कर रहे तो टेक नंबर 3 हो गया। ऐसे ही अब सीन नंबर 7 है, अब उसका शॉट चेंज कर रहे हैं। पहले हमने वाइड लिया था, अब हम उसका जो है मिड शॉट ले रहे हैं, तो मिड शॉट में शॉट नंबर 2 आ गया, मतलब दूसरा शॉट है ये। उसी हिसाब से फिर टेक नंबर सेम रिपीट होता रहेगा। तो ये तो जानकारी जो बेसिक है, जो ये तो हमने पहले वीडियो में भी दिया था और अभी फिर से भी हमने हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि क्लैप कैसे अनाउंस करते हैं, मतलब अगर सेट पे देने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को अगर क्लैप देना तो देगा कैसे। हमने ये एंट्री डाली सीन नंबर 7, शॉट नंबर 1, टेक नंबर 1। तो अब जब कैमरे के सामने जब इसको अनाउंस किया जाता है कि ये क्लैप अनाउंस किया जाता है, वो इस तरीके से आप करेंगे कि 7/1 और टेक नंबर 1। मतलब 7/1 का मतलब हो गया 7 नंबर सीन का शॉट नंबर 1 और टेक नंबर 1। ऐसे ही अगर ये शॉट चेंज होता है तो 7/2, 7/3, 7/4 और यहाँ टेक नंबर जो भी उसके आगे रहे, टेक नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आ रहा है, या 1, 2 टेक 2 है, 3 है, 4 है, जितना नंबर, तो ये जो एंट्रीज लिखी रहती हैं तो सीन बाय शॉट नंबर एंड टेक नंबर, ऐसे इसका जो सीक्वेंस होता है कि सीन बाय शॉट नंबर और टेक, ये जो भी एंट्रीज यहाँ लिखी इसी को बस अनाउंस किया जाता है। अब इसमें ये तो हो गया कि ये आपको बोलना है, दूसरी चीज है कि आपकी ये प्लेसिंग कहाँ रहेगी। ठीक है, कि अगर आप जो है अब कहीं एक्टर खड़ा है, वाइड शॉट लगा है, क्लोज शॉट लगा है, मिड शॉट लगा है, तो वो ये क्लैप को प्लेस कहाँ करना है पता चलेगा कि वाइड शॉट है। ठीक है, तो आप तो उस समय वाइड शॉट में एक्टर वहां खड़ा है तो उसके वहां जाके देख अगर इसको क्लैप को देते हैं तो वो कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, या क्लोजअप शॉट लगा हुआ है, ठीक है, क्लोजअप शॉट लगा हुआ, कैमरा मान लीजिए जूम लेंस लगा हुआ है, तो आप इतना बहुत दूर भी जाके जो है उसको कैमरे के वो नहीं कर सकते, कैमरे के सामने ले जाके नहीं कर सकते। तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले कि आपको ये देखना है कि लेंस कौन सा लगा है, उसका फोकस कहाँ पे है। जहां पे इसका फोकस रहेगा वहां पे, जहां पे ये कैमरे का फोकस रहेगा वहां पे इसको प्लेस करना पहली प्रायोरिटी होती है। दूसरी प्रायोरिटी जैसे मैं आपको अगर 1/1 बताऊं, जैसे कि अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है, वाइड शॉट है, तो वाइड शॉट है तो आपको उतनी दूर जाके क्लैप, क्योंकि वो बहुत ओपन है और रोल हुआ, कैमरा एक्शन हुआ, तो वो तो पूरा कैप्चर कर रहा वाइड में, पूरी जितना आसपास के, तो उसमें तो आप क्लैप दे के भाग भी नहीं सकते, तुरंत बाहर भी नहीं निकल सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो ये इसका यूज है उसको एंट्री के लिए किया जाता है कि ये स्पेस जो चीज है वो छप जाए ताकि हमें एडिटिंग टेबल पे शॉट ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो फोकस में रखना है। अब तो आप क्या करेंगे, वाइड में जो है कैमरे के ठीक सामने ऐसे ऐसे कर देंगे, जो है ऐसे करके अनाउंस करके निकल जाएंगे। तो ये वाइड के हो गया। अब क्लोजअप है, तो क्लोजअप पे सीधी सी बात है कि जो फोकस आर्टिस्ट के फेस पे है, तो क्लोजअप में आप क्या करेंगे कि आर्टिस्ट के फेस पे यहाँ पे क्लैप देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लैप देंगे। ऐसे मिड शॉट है, या 2 शॉट है, या 3 शॉट है, या क्लोज ओएस है, तो वो आपको ये मैनेज करना है कि ये क्लैप कहाँ फोकस में आएगी, जहां पे ये एंट्री जो है इसकी प्रॉपर मिलेगी, ताकि उससे क्या होगा कि आपको जो जो इसका यूज है वो आपको एडिटिंग टेबल पे अच्छे से मिल सके, ये एंट्री जो है छपी हो, अच्छे से रजिस्टर्ड हो, ताकि जो है वो टीसीआर बुक से निकाल कर
कि कौन सा शॉट एनजी है कौन सा शॉट ओके है उसको देख सके। तो इस तरीके से क्लैप दिया जाता है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज होता है कि अनाउंस भी करना है कि 7/1 टेक नंबर वन, उसके बाद ये जो है साउंड भी करना है कि ऐसे करके आपको निकलना है, ठीक है। तो ये अक्सर आपने इसको ऐसे करते हुए देखा हुआ, लेकिन एक जगह एक चीज एक जगह ऐसी आती है जहां पे ये नहीं करना है। क्यों? वो किस सीन में आपको करना होगा? जिस सीन में डायलॉग नहीं है, क्योंकि ये साउंड रिकॉर्ड करने के लिए है। तो जिस सीन में डायलॉग नहीं है उसमें ये चीज नहीं करना है, ठीक। अब चूंकि डायलॉग नहीं है तो ये नहीं करना है। एक हो गया, ये तो हो गया सीन है, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं और वो जो है सीन में डायलॉग नहीं है। तो इसको एक तो तरीका हुआ कि आप उसको उसमें क्या करेंगे, आप साउंड को कट। अब ये देखिए क्लैप पकड़ने का तरीका, कभी भी क्लैप ऐसे पकड़ी जाती है, ऐसे 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 क्लैप दे के निकलना है। और जब मोन्टाज का सीन, मोन्टाज है जिसमें डायलॉग नहीं है, तो उसको ये क्लैप को बीच सेंटर में ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, एंट्रीज लिखी, एंट्रीज आपने अनाउंस किया और क्लैप को ऐसे दे के और आप निकल गए। ये हो गया क्लैप को देने का तरीका कि डायलॉग वाले हैं तब कैसे देना, बिना डायलॉग वाले हैं तब आपको कैसे दें। और क्योंकि ये जो एंट्रीज है वो टीसीआर बुक में लिखी लिखी जाती हैं, तो उसी से आपको फाइंड आउट कर पाते हैं उसी से कि शॉट ओके नॉट गुड शॉट कौन सा और ओके शॉट कौन सा है। उसमें कुछ कुछ जो है मेंशन भी किया जाता है कि अगर कोई ऐसी एंट्रीज या कोई ऐसी चीज उस शॉट में जो है, तो वो टीसीआर बुक में भी स्पेशल आप मेंशन कर देते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये रही इन्फॉर्मेशन क्लैपबोर्ड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या कोई क्वेरी है आपको फिल्म मेकिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जरूर हम इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और तब तक आप सिनेमा देखिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, हॉलीवुड सिनेमा देखिए, जो वर्ल्ड सिनेमा उसको देखिए, अगर आपको डायरेक्शन फील्ड में आना है, सिनेमा में आना है, तो वो देखते रहिए। और जिंदगी को खूब मजे से जिए, क्योंकि एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर कलाकार हो सकता है, कुछ किसी भी कला में अगर वो काम कर रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।